हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम लोग डोमेटो सर्विस के एपिसोड 9 के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को आगे तक देखते रहें। एपिसोड 9 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं म्योलमंग जा रहा होता है और एक रेस्टोरेंट के सामने खड़ा रहता। वो कहता है, मैं भी इन जैसे रहना चाहता हूँ, मैं भी इनके जैसा खाना चाहता हूँ, इनके जैसा सोना चाहता हूँ और इनके जैसा खुद के अंदर सहानुभूति, दया और प्यार की भावनाओं को चाहता हूँ। लेकिन उन जैसा होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो एक दिन गायब हो जाएंगे, मेरी तरह नहीं। उनकी एक जगह है और वो वहाँ चले जाएंगे। म्योलमंग उसी रेस्टोरेंट के पास जा रहा होता है और वो रेस्टोरेंट बंद रहती है। वो कहता है, उस वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ, मेरी इस ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है, मेरी ज़िंदगी का कोई अंत नहीं है, मेरा यहाँ कोई नहीं है और मैं उन जैसा कभी भी बन नहीं पाऊँगा। मेरा काम सिर्फ इन्हें देखने का है। एपिसोड 9 के प्रेजेंट में हम आते हैं, जब म्योलमंग तक को कहता है, इसलिए तुम मुझे नहीं इस दुनिया को और खुद को चुनो। और तक की आंटी आई हुई होती है और तक उन्हें देखती रहती है। अपनी आंटी को देखकर तक अचानक से भागने लगती है। आंटी और तक एक दूसरे के पीछे रहते हैं और म्योलमंग सोचता है, पता नहीं ये क्या हो रहा है। दूसरी तरफ हम नाजिना और लियून को देखते हैं। लियून नाजिना से मिलने आता है और नाजिना उसे कहती है कि ठीक है, तुम फर्स्ट फ्लोर पे वेट करो। नाजिना अपने रूम में जाती है, वो बहुत जल्दबाजी में होती है। मिसर चाओ से कहते हैं कि क्या हुआ, अगर मेरे कारण कोई प्रॉब्लम है तो मैं चला जाता हूँ। नाजिना उस वक्त उन्हें बताती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एक ज़रूरी काम आ गया है। वो उस वक्त बताती है लियून वहाँ आ गया है। वो उनसे कहती है कि प्लीज़ आप वेट करना बाहर निकलने से पहले। मिस्टर चा कहते हैं, हाँ ठीक है, मैं समझ गया। जाते वक्त जब नाजिना उन्हें सॉरी बोलती है तो मिस्टर चा सोचते हैं, सॉरी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बहुत अजीब लग रहा है। नाजिना और लियून मिलते हैं। नाजिना पूछते, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लियून कहते हैं, मैं तुम्हें मिस कर रहा था, मैं कोरिया भी तुम्हारे कारण ही आया और उस रीयूनियन में भी तुम्हारी वजह से गया था। मैं तुम्हें बस ये बात बताने आया था कि मैं तुम्हें मिस करता हूँ। नाजिना कहती है, तुम ऐसे ही थे, तुम शुरू से ही वही करते थे जो तुम्हारा दिल करता था। आगे हम फ्लैशबैक में जाते हैं, जब नाजिना लियून से कहती है, तुम हर बार अपनी मर्जी से करते हो, तुम बाहर पढ़ने जा रहे हो और तुमने मुझे बताया भी नहीं, तुमने मुझे एक टेक्स्ट तक नहीं किया, तुम क्या ब्रेकअप करना चाह रहे हो? लियून कहता है, नहीं मैं सच में सॉरी हूँ। नाजिना कहती है, अगर सॉरी हो तो तुम्हें मुझे टेक्स्ट करना चाहिए था, तुम्हें मुझसे मिलने आना चाहिए था और तुम हमेशा से ही ऐसे थे, मैंने तुम्हें सबसे पहले पसंद किया और अभी भी तुम मुझे उतना पसंद नहीं करते जितना मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुम्हें ये सब अच्छे से पता है। लियून कहता है, मैं बाहर जाने वाला था लेकिन मैं कभी भी तुमसे ब्रेकअप नहीं करना चाहता था। नाजिना कहती है, देखो कैसे हो तुम, इस वक्त भी तुम्हें बस अपनी पड़ी हुई है, कितने मतलबी हो तुम। नाजिना लियून से कहती है, तुम्हें लगता है कि मेरे पास तुमसे ब्रेकअप करने की हिम्मत नहीं थी और तुम बस ऐसे ही खींचते रहे और लास्ट में हमने बिना बात किए ब्रेकअप कर लिया। लियून कहता है, मुझे उस बात का पछतावा है, मैं उस समय बहुत यंग था इसलिए मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ। नाजिना कहती है, मुझे पता है कैसा लगता है किसी के घर के बाहर वेट करना, मैं उसे क्या बोलूँगी लेकिन अंत में कुछ समझ नहीं आता। वो लियून से कहती है, तुम्हें उस वक्त आना चाहिए था, मैं तुम्हारा वेट करती रही लेकिन तुम मेरी तरह नहीं हो क्योंकि तुम मुझसे मिलने नहीं आई और मुझे देखो, मैं तुमसे मिलने आ गई। लियून कहते हैं, मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ जवाब देने आया हूँ, लेकिन अगर तुम्हें इस बात से परेशानी हो रही है तो तुम इसे भूल जाना। नाजिना कहती है कि मैं इसे अब इतनी आसानी से अपने दिमाग से नहीं निकाल पाऊँगी क्योंकि तुम मुझसे मिलने आ गए तो अब कुछ समय तक मैं तुम्हारे बारे में ही सोचती रहूँगी और तुम्हारे साथ होना मुझे अपने पास की याद दिलाती है। वो कहती है, तुम्हारे साथ मैं हमेशा से ही भीगी सी रहती हूँ, उदास रहती हूँ, जब पूल पे तुमसे मिलने आई तब भी और जब बारिश में तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी तब भी। तुम्हें पसंद करना मेरे लिए सिर्फ आंसुओं से भरा था, लेकिन तुम्हारे लिए ऐसा नहीं होगा, तुम्हारे लिए ये एक्सपीरियंस नरम और खुशियों का होगा और मुझे नहीं लगता मैं उस समय पे वापस से जाना चाहूँगी। लियून कहता है, मैं तुम्हें हमेशा से पसंद करता था चाहे हमारे बीच में कुछ भी हुआ हो। आगे हम देखते हैं तक और उसकी आंटी एक दूसरे के पीछे भागती रहती है, वो म्योलमंग के पीछे रहती है और लास्ट में वो लोग घर जाते हैं। घर पर हम देखते हैं तक म्योलमंग को ज़मीन पर बैठने के लिए कहती है लेकिन म्योलमंग नहीं बैठता, तो बोलती है कि माफ़ करना, ये कभी कभी फिरंगी जैसा बर्ताव करने लगता है। आंट अपना इंट्रोडक्शन देती है, वो कहती है उनका नाम कंगसुजा है और उन्होंने म्योलमंग के बारे में बहुत सुना है क्योंकि तक के भाई ने उन्हें बहुत कुछ पहले से ही बताया हुआ होता है। वो
वो उन्हें फ़ोटो दिखाती है जो उसके भाई ने अपनी आंटी को भेजा था। आंट म्योलमंग को कहती है, माफ़ करना तुम्हें ये सब देखना पड़ा। म्योलमंग कहता है, नहीं कोई बात नहीं। और फिर तक म्योलमंग को घर जाने के लिए कहती है। तक जाते वक्त म्योलमंग के पॉकेट में फ़ोन रखती है और कहती है कि बाद में कॉल करना। म्योलमंग भी सोचता है इस लड़की का कुछ समझ में ही नहीं आता। आगे हम तक और आंट का कुछ इमोशनल मोमेंट्स देखते हैं। उसकी आंटी उसे कहती है, मुझे पता है तुम कैसा फील कर रही हो, तुम सोच रही होगी कि तुम बोझ नहीं बनना चाहती और इससे हमें परेशानी होगी, हमें चिंता होगी, इसलिए तुमने मुझे कॉल नहीं किया। तुम हमेशा से ही ऐसी थी, तुम्हारा बर्ताव बिल्कुल एक मेहमान की तरह था। तुम हमेशा से ही तुम्हें जो मन करता वो करती थी। तुम हमेशा से ही बिना बात की टेंशन लेती थी, इसलिए तुम्हें बीमार तो पड़ना था ही। वो उसे कहती है, तुम कब तक ऐसा करोगी, कब तक मेहमान की तरह रहोगी मेरी ज़िंदगी में। वो तक के लिए काफ़ी सारे कपड़े लाई हुई होती है और कहती है, मुझे जब भी तुम्हारी याद आई कनाडा में, मैंने तुम्हारे लिए कपड़े खरीदे और मैं चाहती हूँ कि तुम सारे कपड़ों को पहनो ताकि मेरे पैसे वसूल हो जाएं। तक इमोशनल होती है और वो उनसे कहती है, मैं आपसे आपकी ज़िंदगी नहीं छीनना चाहती, इसलिए। उसकी आंटी इस पे कहती है, तुमने मुझसे छीना नहीं है, मैंने अपनी मर्ज़ी से दिया है, मुझे मन था कि मैं अपनी ज़िंदगी तुम्हें दूँ। आगे हम देखते हैं लियोन घर आता है और वो मिस्टर चा के फ़ोन पे नाजिना का मैसेज देखता है। नाजिना ने उन्हें मैसेज किया था अगर वो घर ठीक से पहुंच गए और अभी बहुत कुछ हड़बड़ी में करना पड़ा। आगे हम म्योलमंग को देखते हैं, वो अपने फ़ोन को देखता रहता है। उसी वक्त तक का फ़ोन आता है और तक उसे मजाक में कहती है, अच्छा तुम्हें फ़ोन उठाना आता भी है। म्योलमंग कहता है, हाँ और कट करना भी आता है। तक कहती है, मैंने तुम्हें छुप कर कॉल किया, इसलिए मुझे चिल्लाने पर मजबूर मत करो। वो म्योलमंग से पूछती है कि क्या तुम घर पर हो, क्योंकि तुम हमेशा मेरे साथ ही सोते हो। जिस पर म्योलमंग कहता है, तुम बस कुछ बातों को लेकर शर्माती हो, बाकी बातें तो खुल्लम खुल्ला बोलती हो। म्योलमंग कहता है, तुम्हारी आंटी बिल्कुल तुम्हारी मम्मी जैसी दिखती है। तक कहती है कि हाँ वो दोनों ट्विंस हैं, मैं जब भी उन्हें देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं अपनी माँ को देख रही हूँ, लेकिन अब लगता है कि दोनों बहुत ही अलग है, उनकी पर्सनैलिटी काफ़ी अलग है। वो उसे थैंक यू करती है क्योंकि उसके कारण वो अपने मम्मी पापा से मिल पाई और वो कहती है कि मैं अपने विश के बारे में अच्छे से सोचूंगी। म्योलमंग जब तक को गुड नाइट करता है तो तक कहती है कि बहुत ही अजीब सा और नया सा लग रहा है ऐसे फ़ोन पर गुड नाइट बोलना। तक उससे पूछती है, तुमने कहा था तुम मेरे लिए कुछ भी करोगे, तो क्या मैं तुमसे एक फेवर मांग सकती हूँ। अगले दिन हम म्योलमंग को डॉक्टर के रूप में देखते हैं। तक की आंट आई हुई होती है। म्योलमंग उसे बताता है कि एक नया ड्रग है जिसे यूज़ करना सेफ़ है और हम वॉलेंटियर चूज़ कर रहे हैं। तक का नाम उस लिस्ट में है और अब बस तक के जवाब का वेट कर रहे हैं, इसलिए आराम से इसके बाद हम लोग उस पर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। तक की आंटी पूछती है, क्या सच में इसे हॉस्पिटल में एडमिट करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये सच में बच जाएगी ना। जिस पर म्योलमंग कहता है, हाँ मैं उसे बचाने की ही कोशिश कर रहा हूँ। और तक उसे देखती रहती है। हॉस्पिटल से बाहर निकलने वक्त आंट पूछती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड डॉक्टर है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, वो कहाँ काम करता है। तक कहती है, अमेरिका में। आंट कहती है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड लुक्स में भले ही उतना अच्छा नहीं हो लेकिन इंसान अच्छा है। जिस पर तक कहती है, नहीं मुझे तो नहीं लगता कि वो अट्रैक्टिव नहीं। तो आंट कहती है कि ये देखो तुम पूरे उसके प्यार में पागल हो गई हो। उसकी आंट कहती है कि मुझे एयरपोर्ट जाना है अपने हस्बैंड को लेने। तक कहती है, आप लोगों को कोरिया आने की ज़रूरत नहीं थी। आंट कहती है कि तुम जानते हो केविन उनके हस्बैंड तुम लोगों को कितना पसंद करते हैं, उन्हें बुरा लगेगा ये सब बात सुनकर, वो तो हम सबको साथ रहने के लिए एक घर तक खरीदने वाले थे। और फिर वो वहाँ से चली जाती हैं। म्योलमंग वहाँ आता है, तक अपना हाथ आगे करती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तक उससे अपना सेलफोन मांगती है और फिर वो दोनों एक मोबाइल शॉप में चले जाते हैं। तक उसके लिए एक नया फ़ोन खरीदती है। म्योलमंग कहता है, मुझे इसकी क्या ज़रूरत। तो तक कहती है कि कल जैसा फिर से हो सकता है, इसलिए मैं पूरा प्लान सेट करके रखी हूँ। जिस पर म्योलमंग मजाक करता है, तुम ये क्यों नहीं कहती कि तुम्हें खुशी थी सोने से पहले मुझसे फ़ोन पे बात करने की। और तक कहती है, हाँ ये भी सही ही है। वो फ़ोन नंबर सेव करती है और कहती है, मैंने लास्ट नेम नहीं रखा क्योंकि ऐसा फील लगेगा कि हम बहुत दूर के जान पहचान वाले हैं। म्योलमंग तक को कॉल करता है और कहता है कि लड़की का नंबर मिलने के बाद यही करना होता है ना। अब पूछता है कि क्या तुम फ्री हो। तक कहती है, हाँ अगर मैं फ्री हुई तो। म्योलमंग कहता है, तो फिर मेरे साथ तुम्हें एक जगह चलनी होगी। म्योलमंग तक को एक कैमरा देता है तो तक कहती है, ये मेरे लिए गिफ्ट है क्या। जिसमें म्योलमंग कहता है, मैं देख रहा हूँ आजकल तुम बहुत गिफ्ट मांग रही हो, तुम्हें बस सामान से प्यार है। दूसरी तरफ हम एक क्लासरूम देखते हैं जहाँ एक छोटा बच्चा अपनी दादी के साथ अपने टीचर का वेट कर रहा होता है। उसकी ग्रेजुएशन सेरेमनी थी लेकिन बोट न आने के कारण उसके टीचर वहाँ नहीं आ पाए और वो बहुत उदास रहता है।
उसी वक्त म्योलमंग उस टीचर के रूप में आता है और ग्रेजुएशन सेरेमनी सेलिब्रेट करता है। तक इस सेरेमनी का फ़ोटो खींचती है और वो बच्चा काफ़ी खुश हो जाता है। म्योलमंग तक को बताता है ये स्कूल की लास्ट सेरेमनी है क्योंकि ये जल्द ही गायब हो जाएगी और यहाँ के टीचर भी कहीं और चले गए हैं। उस वक्त तक म्योलमंग को डेटी के बारे में बताती है कि वो उनसे हॉस्पिटल में भी मिल चुकी है एक पेशेंट गाउन में। म्योलमंग कहता है कि हाँ वो बीमार है। तक कहती है वो बीमार है? म्योलमंग कहते हैं हाँ वो हमेशा से ही बीमार रहती है, उनका जन्म बीमारी के साथ होता है, वो दुख सहती है और फिर मर जाती है, फिर से वो जन्म लेती और फिर से मरती और इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है और दुनिया को मेंटेन करती है। वो कहता है डेटी दुनिया का दुख दुनिया के कुकर्म खुद सहकर मरती है और यही भगवान का काम है, मैंने ये काफ़ी बार देखा है। तक कहती है मुझे लगता था कि मेरी लाइफ सबसे ज़्यादा बेकार है लेकिन उनके सामने तो ये कुछ भी नहीं। वो सोच में पड़ जाती है अगर दुनिया में कुछ होता ही नहीं तो क्या ये बेहतर जगह होती। म्योलमंग तक को कहता है एक सेकेंड तक ऐसे ही रहना, बिल्कुल हिलना मत, और उसके बाद वो कहता है कि इस एक सेकेंड में कुछ बर्बाद नहीं हुआ, वैसी दुनिया थी जैसा तुम चाहती थी। तक सोचती है अजीब है ये, इस एक सेकेंड में मेरा समय ही रुक गया था। आगे हम देखते हैं तक के अंकल आंटी उसकी मम्मी से मिलने फ्यूनरल पे आते हैं। तक की आंटी बहुत इमोशनल रहती है और वो रो रही होती हैं। वो कहती है बस कुछ समय और, तक को अभी रहने दो, अभी अपने पास मत बुलाओ। बैकग्राउंड में तक कहती है मैंने एक चीज़ सीखी है, किसी को जीवन भर प्यार करना पॉसिबल नहीं है लेकिन किसी को जीवन भर खो देना ये मुमकिन है। लेकिन फिर भी हम उन चीज़ों के लिए जीते हैं जो एक दिन ख़त्म हो जाएगी, जैसे हमारे सपने, जैसे हमारी यादें, पछतावे, और कुछ लोग प्यार या दूसरों के लिए जीते हैं। तक सोचती है कोरियन में इंसान और प्यार एक जैसा लगता है, इसलिए मुझे म्योलमंग को ये नाम देना ही नहीं चाहिए था। तक म्योलमंग को कॉल करके बुलाती है, वो उसे शॉपिंग पर ले जाती है। वो कहती है मैं अपने सारे पैसे खर्च कर दूंगी इसीलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मैं चाहती हूँ तुम मुझे पैसे खर्च करते हुए देखो। और वो ढेर सारी शॉपिंग करना शुरू कर देती है। वो अपने भाई के लिए बहुत सारे जूते लेती है, नाजीना के लिए एक फाउंटेन पेन लेती है और अपनी आंटी के लिए एक पर्स लेती है। वो ढेर सारे बिल देकर खुश हो जाती है। वो कहती है ऐसा मैंने पहली बार किया है और मुझे अब समझ में आया लोग पैसे क्यों कमाते हैं, क्योंकि खर्च करने में काफ़ी मज़ा आता है। वो म्योलमंग को लेकर फ़ोटो स्टूडियो आती है। म्योलमंग कहते हैं कि तुम फ़ोटो क्यों लेना चाहती हो, ताकि उसे बार बार देख सको, अगर ऐसा है तो इस फ़ोटो में सिर्फ मुझे होना चाहिए ना। तक कहती है पता नहीं उस फ़ोटो को कौन देखेगा। और फिर आखिर में वो दोनों फ़ोटोज़ लेना शुरू कर देते हैं। तक उन दोनों के फ़ोटो को म्योलमंग के वॉलपेपर पे सेट करती है। म्योलमंग उसे कहता है मैं तुमसे मिलूँगा। और फिर आगे हम देखते हैं कि वो दोनों एक सपने में होते हैं। सपने में म्योलमंग तक को बहुत ही सुंदर रेस्टोरेंट में लेकर आया होता है और वो दोनों डेट पर रहते हैं। तक कहती है ये काफ़ी सुंदर जगह है और ये सपना है ना, क्योंकि असली में तो तुम मुझे ऐसी जगह लाओगे नहीं क्योंकि तुम इंसानी खाना और पानी नहीं पीते। म्योलमंग कहता है लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए यहाँ आया हूँ। वो उसे कहता है कि कुछ चीज़ें सिर्फ सपने में ही पॉसिबल है, रियल लाइफ में नहीं। वो पूछती है मतलब? और फिर वो देखते हैं नाजीना तक का भाई और उसकी आंटी सारे को आ रहे होते हैं और वो सब एक फैमिली की तरह मिलकर अपने खाने को एंजॉय कर रहे होते हैं। ये सब देखकर तक बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अगले दिन जब वो उठती है तो उसे फिर से ये रियलाइज़ होता है कि ये सब सपना था। अगले दिन तक जब अपने सपने से उठती है तो उसे रियलाइज़ होता है बिल्कुल उसके सपने की तरह ही सब साथ में हैं और साथ में खाना खा रहे हैं और ये सब देखकर तक काफ़ी खुश हो जाती है। म्योलमंग डेटी से मिलने आता है। वो उसे कहता है मैं तुम्हारी बात नहीं सुनता लेकिन अब से सुनूंगा, ये सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं लेकिन सच में अब मैं खुद को तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। डेटी पूछती है क्यों, अब तुम अच्छे बच्चे बनने की कोशिश कर रहे हो? म्योलमंग कहता है हाँ कोशिश करूँगा, तुम्हें जिस चीज़ से परेशानी हो रही है उस चीज़ को होने से रोकूँगा। डेटी पूछती है मैं किस चीज़ से परेशान हूँ? म्योलमंग कहता है वो मेरे कारण दुनिया को दाव पर नहीं लगाएगी, मैं इस बात को ध्यान रखूँगा। वो डेटी से कहता है नफ़रत से ज़्यादा मुझे आप पर दया आती है और मुझे जन्म देने के लिए आपका शुक्रिया।
वो वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं डेटी की तबीयत काफ़ी ख़राब हुई होती है और वो खून की उल्टियाँ कर रही होती हैं। आगे हम ऑफिस में देखते हैं एम्प्लॉयज़ बताते हैं अपने सीईओ को कि ली यून जो कि नाजिना है उसने अपने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने से मना कर दिया अगर तक एडिटर की तरह काम नहीं करेगी। डेलगोना ने भी अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करने से मना कर दिया है और इस तरीके से एक एक करके सारे राइटर्स ने मना कर दिया है जिससे सीईओ काफ़ी शॉक हो जाते हैं। वो मिस्टर चा को कहते हैं कि तुम तक को बुलाओ, जिस पर मिस्टर चा इरिटेट होकर कहते हैं ये सब आपका काम है और इसकी जिम्मेदारी आप ही को लेनी चाहिए और वो वहाँ से निकल जाते हैं। मिस्टर चा नाजिना के मैसेज को देख रहे होते हैं और वो बिल्कुल खोए से हैं। उनकी कलीग पूछती है आप ली यून को कैसे जानते हो, तो वो बताते हैं कि बस तक की जगह एक मीटिंग पे गए थे इसलिए वो जानते हैं। उन्हें रियलाइज़ होता है कि ली यून को शायद उनके और नाजिना के बारे में पता चल गया है और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर चा ली यून से बात करने उसके कैफ़े आते हैं लेकिन ली यून क्योंकि उसके सीईओ भी वहाँ होते हैं ली यून उनसे बात नहीं करता। उसी वक्त मिस्टर चा के पापा भी आ जाते हैं और अपने सीईओ से बचाने के लिए ली यून खुद उनके पास चला जाता है। उस वक्त ली यून को रियलाइज़ होता है कि उस दिन कैफ़े के बाहर नाजिना मिस्टर चा के साथ थी और वो बिल्कुल शॉक में चले जाते हैं इस बात को रियलाइज़ करके। लिफ्ट पर मिस्टर चा और ली यून मिलते हैं। मिस्टर चा से वो पूछता है अगर वो नाजिना को जानते हैं। उनके हाँ का जवाब सुनकर वो आगे बिना कुछ सुने वहाँ से निकल जाता है। नाजिना लॉन्ड्री कर रही होती है और मिस्टर चा से पूछती है कि अगर उन्होंने अपना छाता उसे घर पर छोड़ दिया हो। तभी ली यून का कॉल आता है, वो उसे मिलने के लिए बोलता है। वो नाजिना से पूछता है कि क्या तुम किसी को डेट कर रही हो, वो बोलती है नहीं। किसी को पसंद करती हो, वो उसे कहता है अगर तुम पसंद करती हो फिर भी तुम मुझे डेट करो क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग पहले मिले थे और मैंने तुम्हें सबसे पहले पसंद किया और मैं अभी तक तुम्हें पसंद करता हूँ। और नाजिना सिर्फ उसकी बात को सुनती रहती है। आगे हम देखते हैं तक बाहर बैठी होती है और म्योलमंग आता है और उसे अपना हाथ देता है। वो कहता है अब हम साथ में नहीं रहते तो काफ़ी दिक्कत हो रही होगी। तक कहती है हाँ सच में। म्योलमंग तब जाने वाला होता है तो तक उसे जाने नहीं देती। वो उसे पूछती है अगर मैं जीना चाहूँ तो क्या तुम मेरी ये विश पूरी करोगे। म्योलमंग कहता है नहीं, मेरा काम बर्बादी है। तक कहती है मुझे पता है, मैं बस पूछना चाहती थी। वो उसे पूछती है तुम सबकी बातें सुन सकते हो, तुम्हें पता होगा कि लोग अपने फेस पर बस स्माइल करने का नाटक करते हैं लेकिन अंदर से मुझे देखकर काफ़ी दुखी हैं, है ना। म्योलमंग कहता है हाँ सब दुखी हैं। तक उसे पूछती है और तुम क्या सोचते हो मुझे देखकर। मुझे समझ आता है कि तुम बार बार मुझे जीने के लिए हिंट्स दे रहे हो लेकिन जब तुम्हारी आँखों में मैं मौत देखती हूँ, क्योंकि अगर तक जिएगी तो म्योलमंग को मरना होगा, तो मैं ये सब कैसे सोच सकती हूँ। तुम सोचो मुझे कैसा लगता होगा। म्योलमंग कहता है तुम वही करो जो तुमने शुरू से सोचा था, ये बहुत ही आसान है। और तक फिर वहाँ से उठकर चली जाती है। आगे हम देखते हैं म्योलमंग एक पेड़ को देख रहा होता है जिसमें अब फूल नहीं है। वहाँ पर एक बूढ़े आदमी भी रहते हैं और वो कहते हैं कि अब इसमें फूल नहीं है, ये कितने सुंदर थे। म्योलमंग कहता है ये पेड़ मरने वाली है। बूढ़ा आदमी उस वक्त कहता है हाँ बिल्कुल हमारी तरह, और इसे ही तो जीना कहते हैं। म्योलमंग उस वक्त सोच में पड़ जाता है। वो तक के बारे में सोचता है। वो कहता है मुझे लगता था मैं जीवन भर लोगों को गायब होता देख सकता हूँ, खाना, सोना, प्यार करना, जाने के लिए कोई जगह होना, क्या इसी को इंसान होना कहते हैं। वो भागता भागता तकदुम के पास जाता है। वो कहता है दुनिया से गायब हो जाने का मुझे डर नहीं लेकिन तुम्हें वापस न देखने का है। वो कहता है मैं कितना बुद्धू था जो अभी समझ में आया कि मेरे पास कितना कम समय बचा हुआ है। वो भागता भागता तकदुम के घर के बाहर खड़ा रहता है। तकदुम बालकनी में होती है, वो म्योलमंग को देखती है। म्योलमंग ऊपर जाकर अचानक से उसे कहता है आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। और इसके साथ ही एपिसोड 9 ख़त्म होती है। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो के लिए काफ़ी मेहनत की है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।